साथियों, बिजली के बारे में एक खास वीडियो दिखाने जा रहे हैं हम आपको, किस तरीके से आप बिजली की बचत कर सकते हो। तो सोलर प्लांट लगवाकर आप इस बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। यहाँ हम जहाँ खड़े हैं ग्रेट नोएडा में, ये 5 किलोवाट का प्लांट है जिसमें लागत लगती है लगभग 3 लाख रुपए की, और 1 लाख से ज्यादा यहाँ सब्सिडी मिल जाती है। और अगर आप चाहें तो सरकार द्वारा इस योजना के लिए लोन भी उपलब्ध है। तो आप एक मुश्त पैसा खर्च करके और सब्सिडी लेकर एक बहुत बढ़िया फायदेमंद आपके लिए स्कीम है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके तहत आपका बिजली का बिल भी चौथाई हो जाएगा। अगर यानी कि अगर आप 8,000-10,000 का बिल दे रहे हैं तो 2,000-3,000 रुपये में वह बिल आपका आएगा, क्योंकि ये जो बिजली आप सोलर द्वारा बनाएंगे ये उस कंपनी NPCL को जाएगी, जिससे बाद में यूनिट लेस होने के बाद में ये बिल काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसी सिलसिले में हम कंपनी से जुड़े लोगों से इस बारे में खास बातचीत भी करेंगे। शशांक जी, क्या स्कीम है, लोगों के लिए क्या फायदा होने वाला है? जी नमस्कार, जैसा कि भी राम मंदिर उद्घाटन के बाद से पीएम मोदी ने एक स्कीम निकाली पीएम सूर्य घर योजना नाम से, तो थोड़ा बहुत मैं पहले उसके बारे में जानकारी दूंगा। ये योजना है क्या, इससे फायदा क्या हो रहा है और किन किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। जो गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है LMV 1 एंड LMV 5 के कस्टमर्स के लिए निकाली है। LMV 1 का मतलब है जो हमारा रेजिडेंशियल कस्टमर है, LMV 5 वो है जो कि हमारे किसान है जो कि बोरवेल वगैरह का काम करते हैं, उनके पास जो सोलर लगा हुआ उसको भी ग्रिड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो। अब इसमें ग्रिड में एक्सपोर्ट करने से फायदा क्या होता है कि सरकार हमारी बिजली खरीदती है उसको, और जितना यूनिट हमने कंज्यूम किया होता है रात में दिन में या जब भी कभी यूज किया होता है उसको महीने में उसको माइनस करके और हमारा बिल उतना रिडक्शन कर देती हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पर जैसे खड़े हैं, यहाँ पे 5 किलोवाट का प्लांट लगा हुआ है, कंज्यूमर का बिल लगभग 900 से 1,000 यूनिट के आसपास आता है। अब यहाँ पर कंज्यूमर ने क्या किया, 5 किलोवाट का प्लांट लगा लिया तो इनको 600 यूनिट महीने की मिलने लगी, और वो 600 यूनिट या तो ये कंज्यूम कर लेंगे खुद के यूज़ के लिए या ग्रिड में एक्सपोर्ट करेंगे। मैक्सिमम दिन में लोड उतना होता नहीं है तो वो एक्सपोर्ट जाता है। सपोज़ 200 यूनिट इन्होंने कंज्यूम किया और 400 यूनिट इन्होंने ग्रिड में एक्सपोर्ट किया, तो जो 900 का इनका बिल आ रहा था उसमें से 400 माइनस होकर के उतना रिडक्शन होकर के बिल बनेगा इनका 500 यूनिट का ही केवल। तो यहाँ से हमारी बिजली बचती है। अब समझते हैं स्कीम क्या है। स्कीम गवर्नमेंट ने क्या किया है, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट या उससे ऊपर जितना मर्जी लगा सकते हैं रेजिडेंशियल कस्टमर। जैसा मैंने पहले बताया LMV 1 कस्टमर के लिए है ये, जो कि डोमेस्टिक कस्टमर है, घरेलू कनेक्शन होना जरूरी है इसके लिए। अब अगर हम सब्सिडी भी की बात करें कि गवर्नमेंट की सब्सिडी कैसे हमें अवेल करना है, गवर्नमेंट की सब्सिडी हमें पीएम सूर्य घर योजना नाम की एक वेबसाइट है वहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर करना होगा खुद को, और रजिस्टर करने के बाद एक हमें अप्रूवल मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि जी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट भी जारी कर रही है कि कितने रुपए की आपकी सब्सिडी बन रही है। जैसे कि अगर हम यूपी की बात करें, पूरे ऑल इंडिया में स्कीम चल रही है, 78,000 रुपये की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है और यूपी में 30,000 रुपये की सब्सिडी अवेलेबल है। अब ये किन किन अपनी कस्टमर के लिए अप्लीकेबल है और कितने किलोवाट के लिए कितनी सब्सिडी है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 1 किलोवाट के लिए जो सब्सिडी है हमारी वो 30,000 रुपये स्टेट 15,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट से है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सब्सिडी है। 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 30,000 रुपये की सब्सिडी है, और 3 किलोवाट के लिए 30,000 की सब्सिडी है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 78,000 रुपये की सब्सिडी है। अगर हम सेंट्रल की सब्सिडी और स्टेट की सब्सिडी में लगा दें तो 1,08,000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है हमें 3 किलोवाट के प्लांट पर। अगर हम इससे बड़ा प्लांट लगाते हैं फिर भी हमें 1,08,000 ही सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि सरकार ने कैपिंग लगा रखी है। ज़्यादातर योजना छोटे कंज्यूमर के लिए है जो कि 2-3 किलोवाट लगाते हैं, लेकिन बड़े प्लांट भी लगाए जा सकते हैं इसी स्कीम के तहत और सब्सिडी भी इतनी मिलेगी। कितना खर्चा आता है लगभग 3 किलोवाट में? देखिए, जो हमारा एक्सपेंस की अगर हम बात करें, खर्चे की बात करें, हाँ, तो इसमें 2 किलोवाट का अगर आप प्लांट लगाते हैं लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्चा है, 3 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो 2 लाख रुपए का खर्चा है, 4 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं 2,40,000 का खर्चा है, अगर 5 किलोवाट आप लगाते हैं तो 3 लाख रुपए का एक्सपेंस है हमारा। इसके साथ साथ आपका मीटर भी चेंज होगा, तो मीटर को चेंज करने के लिए डायरेक्ट आपको NPCL को सिंगल फेज के कनेक्शन के लिए लगभग 4,000 रुपये और 3 फेज कनेक्शन के लिए लगभग 9,000 रुपये का खर्चा और आता है इसमें। 1 किलोवाट के लिए क्या खर्चा? देखिए, 1 किलोवाट के लिए लगाना उतना वाइबल नहीं होता कस्टमर्स के लिए, क्योंकि उसका जनरेशन बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी लगभग 80,000 से 90,000 रुपये में 1 किलोवाट का प्लांट लग जाता है, जिसमें से सरकार की तरफ से अनुदान लगभग 60,000 रुपये का है।
अब हम थोड़ा सा प्लांट का ओवरव्यू करेंगे कि हमारा प्लांट में प्रोडक्ट क्या क्या लग रहा है और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो जरूरी होता है NPCL की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, और कैसा स्ट्रक्चर लगाना चाहिए। अब देख रहे हैं जैसे ये स्ट्रक्चर हॉट डिप गैल्वेनाइज स्ट्रक्चर है, तो कितना भी धूप हो बारिश हो ये स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा। अगर हम सोलर पैनल की बात करें तो यहाँ पे अदानी कंपनी का 665 वाट का पैनल लगा हुआ है। ये पैनल अभी तक जो सरकार के मानक है उसमें सबसे हाई एफिशिएंसी का पैनल है, टॉप कॉन टेक्नोलॉजी का, बाईफेशियल भी है, होता है ये टॉप कॉन टेक्नोलॉजी के पैनल्स, और ये 550 वाट से ऊपर में ही आते हैं, 560 वाट इस टाइप से आते हैं। यहाँ पे हमने 9 पैनल दिए हैं लगभग, जिससे कि हमारा टोटल 5 किलो वाट का कनेक्शन होता है। और यहाँ पर हमने इन्वर्टर भी दिया हुआ है जो कि ल्यूमिनस कंपनी का है। यहाँ पे देखेंगे अगर तो जनरेशन वगैरह भी सारा दिखा रहा होता है। इस समय जैसे पावर जो है 3.7 किलो वाट की आ रही है। अगर हमें टोटल जनरेशन देखना है इसका प्लांट का, जिसके बारे में हर एक स्ट्रीम वाइज डिटेल दे रहा है ये कि कितना जनरेशन है। अभी जैसे देखिए 3.7 किलो वाट का जनरेशन दे रहा है ना, ये फ्रिक्वेंसी बता, टोटल पावर अभी तक इसने 263 यूनिट इसने जनरेट कर दिया है। ये हमारा इसके साथ कंपोनेंट प्रोटेक्शन का DCD भी लगता है और उधर ACD भी लगता है। हमारी कंपनी पूरा ब्रांडेड आइटम ही लगाती है, जैसे देखेंगे आप हैवेल्स के हमारे SPD और MCB लगे हुए हैं, ये पॉलीमाइड के केबल्स लगे हुए हैं और पॉलीकैप के ही हम केबल्स लेते हैं। इस तरीके से हमारा कनेक्शन हुआ है। इसमें 3 अर्थिंग भी जाती है, इसे 2 अर्थिंग उधर गई हुई है, 1 इधर लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं जो कि हमारी बिजली गिरने पर या किसी चीज़ को यहाँ पे सेविंग करता है। ये सब पूरे प्लांट को लगाने के लिए NPCL की तरफ से सारी सुविधा दी जाती है। हमें ग्रिड में एक्सपोर्ट करने की सुविधा जाती है, हमारे मीटर चेंज करने का एग्रीमेंट एक होता है जिससे NPCL लेकर के पूरा प्लांट लगाती है और उसको एक्सपोर्ट करने का हमें फैसिलिटी देती है जो हमारे बिजली के बिल के कम करने में काम आता है। आएगी वो यहाँ पर आएगी, ग्रिड की यहाँ से आएगी और यहाँ से कंज्यूम होगी। जो हमारी सोलर की पावर होगी उसकी वोल्टेज थोड़ी ज़्यादा होगी, इसलिए वो सब पहले घर की तरफ एक्सपोर्ट करेगा, देगा, घर पे जो डिमांड होगी अगर बचेगा पावर, क्योंकि इसकी वोल्टेज से सोलर की वोल्टेज ज़्यादा है इसलिए एक्सपोर्ट कर देगा। जो एक्सपोर्ट करेगा ये मीटर काउंट कर लेगा, जैसे यहाँ पे 5 किलो वाट लगा हुआ है तो 600 यूनिट बन रही है बिजली, तो हो सकता है 300-400 यूनिट ग्रिड को एक्सपोर्ट कर दे। जब NPCL महीने के लास्ट में बिल बनाएगा तो वो 400 यूनिट आपके बिल में से माइनस कर देगा। इसी तरीके से हमारी बिजली बनेगी, जैसे हमने अभी 900 यूनिट के आसपास का हम एक्सपेंस कर रहे थे तो 900 में से 400 यूनिट कम हो जाएगा, 500 का ही बिल बनेगा हमारा। तो इस तरीके से हमारी बिजली बचती है यहाँ पर।